थैंक यू। बहुत सारी देखने के बाद बहुत मुश्किल से एक्ट ये वाला पसंद आया था मुझे। तो गाइस जो रेस्टोरेंट हमको गोलू लेके आया है वहाँ पे फाइनली अभी पहुँच चुके हैं और उसी टाइम जैसे पहुँचे वैसे बारिश भी हो रहा है। मनीषा और अजय अब एनिवर्सरी केक कट करने वाले हैं। गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक हो। गाइस अभी हमारा थोड़ा तबीयत खराब है फिर भी ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है। और गाइस आप लोग को बता दें कि आज है हमारा एनिवर्सरी, आप लोग स्टेटस देख के पता चल ही गया होगा। तो आज इस बार जो हम लोग एनिवर्सरी था हम लोग इस बार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है और इसी रीजन से खास करके नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखते हैं अभी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मनी एनिवर्सरी तो कुछ तो मनीषा को देना बनता है। तो अभी वो दीदी लोग का घर पे है तो अभी मैं जाता हूँ मार्केट और मनीषा के लिए कुछ अपने पसंद से लेता हूँ। आई होप उसे पसंद आ जाए। तो अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं, आपको ये दिखाएंगे जरूर। तो गाइस अभी आए हुए अपर बाजार, यहाँ सारी दुकान और यहाँ पे मनीषा की साड़ी पसंद कर रहे थे, बहुत सारा साड़ी देखे। उसके बाद बहुत देर के बाद एक साड़ी पसंद आया तो उधर अभी बिलिंग के लिए दिए हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर बिल वगैरह करा लेते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं और डायरेक्ट चलते हैं मनीषा के पास और देखते हैं उसे मेरा गिफ्ट पसंद आता है कि नहीं। मनीषा तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? एनिवर्सरी गिफ्ट है? बताओ कैसा है? साड़ी? पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा, जिंदगी में पहली बार साड़ी करते हैं। अरे वाह गजब, वैसा वाला साड़ी मेरे पास है, मैंने तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। कहाँ से लिया? अपर बाजार। थैंक यू। कितना लिया? तो छोड़ो ना, कितना भी लिया ना। किसका तुम्हारा पसंद है? मेरा पसंद है। अच्छा है कि नहीं ये तो बताओ। क्या बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी का फर्स्ट टाइम। ये मेरा जिंदगी का फर्स्ट टाइम है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी खरीदा है, वो भी मनीषा के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है साड़ी वाड़ी के मामले में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खरीदा था तो कंफ्यूज था कि पसंद आया कि नहीं। पर मैंने अपने हिसाब से लिया था तो काफ़ी अच्छा लगा मनीषा को और मुझे उम्मीद था कि पसंद आ जाए और पसंद आ गया। खोलो साड़ी, खोलो एक बार ट्राई करके देखो, ऐसे तो एक बार ऊपर से ट्राई करके देखो। कर रही हूँ। वाह नाइस, वाह नाइस, बहुत मस्त है, पूरा खोल के देखती हूँ। अच्छा लग रहा है? वाह कलर भी बहुत सही है, देख रही। बहुत साड़ी देखने के बाद बहुत मुश्किल से एक्ट ये वाला पसंद आया था मुझे। योर
फर्स्ट टाइम गोलू मुझे गिफ्ट किया है, फर्स्ट जिंदगी में कभी भी नहीं किया है, कभी भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतना अच्छा साड़ी लेके आया है, सच में देख रहे हो। और ये कलर जो है ना, मुझे सच में अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ा सा गाढ़ा कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका जो, वाह बहुत अच्छा कलर है और अच्छा है जो इसका वर्क भी बहुत सही है, इसका ये जो डिजाइन है ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत सही है। अच्छा इसको ब्लाउज छूट भी है क्या अंदर में? ब्लाउज कुछ दिया होगा। ओह इधर ही ब्लाउज छूट गिरा। सही है, देखो गाइस कितना पसंद आया मेरे को साड़ी देखो ये मस्त तो गाइज अभी हो गया है शाम का टाइम और देख सकते हैं अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और इधर मनीषा भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसलिए अभी हम लोग रेडी हो गए गाइज क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर और मनीषा को लेके जा रहे हैं आज डिनर पे, तो साथ में दीदी लोग को भी बोले तो वो लोग भी साथ में जा रही है। देखिए पूरा रेडी हो गई है तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे बाहर और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को आगे बताएंगे। चलो ना बैठ के खिला। तो गाइस जो रेस्टोरेंट हमको गोलू लेके आया है वहाँ पे फाइनली अभी पहुँच चुके हैं और उसी टाइम जैसे पहुँचे वैसे बारिश भी हो रहा है, थैंक गॉड की मतलब टाइम से पहले ही पहुँच गए ऐसा लग रहा है, तो बारिश हम लोग को छोड़ता नहीं। अभी चलते हैं अंदर की ओर, चलिए देखो सारे चिल्लर पट्टी बस फैमिली आए हैं और बाकी ज़्यादा किसी को बुलाए नहीं है, चलो। और नाइस रेस्टोरेंट क्योंकि हम लोग खुद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ पे बैठ के खाना है। थोड़ा लाइट वेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे उधर चलने का, अंदर में भी है कि बैठने के लिए, चलिए अंदर। हाँ किधर बैठने का, जहाँ पे थोड़ा अच्छा लाइट हो, ऐसा कुछ नहीं है लाइट टाइप का नहीं है वो दो? हाँ ये इसमें या फिर वो वाला में भी आएगा, वो वाला पीछे वाला में, चलो पीछे वाला में चलता है ठीक है, या फिर यहाँ पे भी रह सकते हैं, साइड में चार लगा सकते हैं खाने में है ना, यहाँ पे बीच में। गाइस देखिए इतना ज़्यादा बारिश आ रहा है अभी और जैसे हम लोग अंदर घुसे वैसे, और पता है यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे नीचे में ना गेटी है ठीक है, देखिए ये सारे गेटी है तो बच्चा लोग ना उठा उठा के ना छीट रहा है और खेल रहा है, देखो अभी तो शांत है, अभी ऐसा कर रहा था, अभी क्या कर रहा था पता है, सारा गेटी उठा उठा के ना ऐसे ऐसे करके छीट रहा था सबको, हम लोग परेशान हो गए थे। देख रहे ये सारी चीज़ें, देखिए इतना सारा है, देख रहे हैं ना ये तो ये सारे, और बारिश की वजह से तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का लोकेशन जो है ना बहुत सही है यार। बाकी अगर किसी को पता है तो बताइएगा ये कहाँ का लोकेशन है ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसको छठ तला बोलते हैं, कौन तला नहीं जब बहू बाजार छठ तला के सामने जो रेस्टोरेंट अभी नहीं खुला है, ये देखो अभी पूरा खुश है और गिट्टी उठा उठा के फेंक रहा है, जा छोटी के ऊपर में जा, ए ए क्या कर रहा है तुम, डर है कुछ, जा 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 जा, देख रहा है कैसे फेंक रहा है, उसको खेलना है तो खेलना है अभी हमारा यहाँ पे केक भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी देखिए ये रहा हमारा केक आज का और हम लोग आए हैं द ग्रुप रेस्टोरेंट और यहाँ पे ये छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मनीषा और अजय अब एनिवर्सरी केक कट करने वाले हैं, दोनों का फेस और पता नहीं स्माइल कहाँ गायब हो गया है और गाइस हम लोग चलो हैप्पी एनिवर्सरी मनीषा एंड अजय, हैप्पी एनिवर्सरी एंड गॉड ब्लेस यू। अरे कोई क्लैप नहीं किया
छोटी केक खाएगी अभी जा। हम कहीं चले पकड़ी पकड़ी अभी ये लो अभी अभी लो अभी हम लोग केक वगैरह कटिंग कर लिए और अभी हम लोग रेस्टोरेंट के इधर अंदर साइड बैठे हुए क्योंकि हम लोग डिनर यहीं पे करेंगे और बाकी केक वगैरह बाहर किए थे क्योंकि यहाँ थोड़ा लाइट वगैरह अच्छा और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था सोचे डिनर यहीं हाँ बाबू बहुत परेशान कर रहा है गीटी से पूरा छिट छिट के खेल रहा था इसीलिए हम अंदर ही आ जाते हैं तभी हमारा जो डिनर है वो अभी आया नहीं ऑर्डर दिया हुआ है तो आ जाता है उसके बाद उसे मिलते हैं चेंज करके जितना भी मेकअप था सारा उतार ली हूँ और आज हम लोग ऐसे सोचे नहीं थे कि एनिवर्सरी मनाएंगे कर ली क्योंकि गोलू का तबीयत थोड़ा सा कल से ही ख़राब था और मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बताई थी पिछला वाला ब्लॉग में जब हम लोग अवार्ड लेने गए थे 4 तारीख को फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था फिर सुबह तक उनको ठीक नहीं लग रहा था तो ऐसे कुछ प्लान ही नहीं था कि हम लोग मनाएंगे या फिर ऐसे कुछ हम लोग को टोटली प्लान नहीं था। फिर सडनली शाम हुआ तो गोलू बोलता है कि चलो बाहर से कम डिनर करके आ जाएंगे। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग साथ में फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किए थे तो फिर जाते वक्त फिर उसी टाइम दीदी को बगल में जो दीदी रहती है फिर दोनों काव्य और जो अभी के साथ हमेशा खेलते रहती फिर वो दीदी गई थी फिर गोलू उधर से वो पंकज फ़ोन किया था तो उनको फिर बोला ठीक है आ जाओ करके तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आई थी बाकी वैसे कोई नहीं आया था बस हम लोग अपना हम लोग सोच ही नहीं थे सडनली हो गया तो हमने फिर ज़्यादा किसी को इन्वाइट भी नहीं कर पाया ना दोस्त यारी को ना फ्रेंड्स मतलब बहुत ऐसा ना के बराबर सब ना फैमिली ही थे ये समझिएगा तो हम लोग सोच ही नहीं थे कि ये सेलिब्रेट करेंगे बोल के बट जो भी था एक छोटा सा हमारा डिनर था तो उसी में थोड़ा सा केक भी थोड़ा सा कट कर लिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा हम लोग कि चलो कुछ तो हुआ एटलीस्ट ना भी होता तो भी कोई ये नहीं हर साल आता है एनिवर्सरी हर साल कभी ना कभी कर ही लेते बट इस साल हम लोग सच में 1% के लिए नहीं सोचे थे। फिलहाल अभी भी तबीयत थोड़ा सा उसका ठीक नहीं है और ठीक था लेकिन अभी बारिश में फिर आया तो थोड़ा थोड़ा भीग गया है बारिश आ रहा था तो फिर आने के टाइम फिर थोड़ा थोड़ा हो रहा था तो भीग गया और बाहर का तुरंत मौसम ठंड की वजह से चेंज होता है हो जाता है ना तो थोड़ा सा खांसी होने लगता है ऐसे और मैं क्या ये बोलूँ चलिए अभी रखते हैं और आप लोग को गुड नाइट रहेगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना है लाइक चैनल पर नए तो चैनल करना है सब्सक्राइब। और हाँ गाइस एक बात बोलना था सब कोई बोलते हैं कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आती है नहीं आती है तो नहीं आती क्योंकि मैं हमारे उधर ना ऐसा नहीं कि हिंदी बात नहीं होती होती है लेकिन बहुत कम होती है जहाँ तक ओडिशा में क्या होता है ना राउरकेला उधर नागपुरी चलता है सागरी नागपुरी और साथ ही में ओडिया ज़्यादा तक चलता है तो हिंदी ज़्यादा तक बात तो होता नहीं है तो मैं इसलिए होती थी ता मैंने जेंडर में थोड़ा समझ नहीं पाती हूँ कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कैसे क्या बोलना है तो बहुत क्यों बोलते हैं शायद नहीं आता है करके तो आता है लेकिन उतना अच्छा से मेरे को नहीं आता है बाकी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो आप लोग